हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएच के रूल की। सीएच जो है जर्मन लैंग्वेज में बहुत आपको बार बार दिखने वाला है और इसके साउंड्स भी थोड़े डिफरेंट डिफरेंट आपको नजर आएंगे। बट मोस्टली ज्यादातर जो सीएच का रूल है ये ख और श के कॉन्टेक्स्ट में आपको दिखेगा। सीएच से पहले अगर आपको कोई वाउल दिखता है, लेकिन वाउल में भी खास तौर पर मैंने तो यह ऑब्जर्व किया है कि सीएच से पहले अगर ए ओ यू आए तो उसको ख पढ़ेंगे अपन। जैसे आख्त, सीएच से पहले ए आ गया, दैट इज आ, सो आख्त। पोखन, ओ आ गया, आख्तुंग। नाख, आउख। वोख, वोखन एंड है ख। तुख, डोख। बाउख, नाख्त, ख का साउंड ये दिखेगा आपको। लेकिन सीएच से पहले अगर ए यू नहीं आ रहा हो उस केस में ये श का साउंड करेगा। जैसे इश, निष्ट, पेश, स्प्रेशन, स्प्रेशन, ब्रेशन, राइट। एंड इसके बाद में नेक्स्ट एस, अगर सीएचएस एक साथ दिख गया आपको, फिर सीएच की बात नहीं करेंगे हम लोग। सीएचएस दिख जाए फिर चाहे पहले कुछ भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर ये तीनों साथ में आने से इसका साउंड फिर इक्स, इक्स का साउंड, ये वाला साउंड इसमें दिखेगा बाद में। जैसे जैक्स, फुक्स, क्स, क्स, अब ये खै नहीं बना। लेकिन सी एच एस के कॉम्बिनेशन में अगर एस सी एच दिखता है तो वो शय है। लाइक दिस, शूल है, शूह, तश, इस तरह के। लेकिन अगर टी एस सी एच एक साथ ये चारों दिख जाए तो ये जनरली च का साउंड दिखेगा आपको, सुनेगा। जैसे चुस, चाओ, चिस। लेकिन डीएसीएच अगर कहीं दिखे, कभी कभी दिख सकता है, जैसे मान लो कोई वर्ड आपको जर्मन में दिखे जंगल, जंगल के लिए, तो वो डीएसीएच से दिखेगा। या फिर खाटू श्याम जी, साला सर जी, जे, जी लगाते हैं उसको आप अगर लिखोगे और आप चाहते हो कि जर्मन से उसको जे ही पढ़े तो आपको डीएसीएच लिखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। ऐसे एक के बाद एक जितने मुझे पता है वो रूल तो आपको जरूर बताऊंगा और डेफिनेटली आपको मजा आएगा। लोगों को सुनोगे तो भी आपको लगेगा कि ये रूल काम करते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।